शिव मंत्रा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही खूबसूरत एक टेंपल में विजिट करने के लिए आ चुका हूँ। एक्चुअली घूमने का प्लानिंग नहीं था, दूसरे काम के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में बहुत ही खूबसूरत एक टेंपल नजर आया। मुझे भगवान जी बहुत ही पसंद है, तो ज़्यादा देर ना करके मैं तुरंत ही आ गई भगवान जी का दर्शन करने के लिए। अच्छे से देखो, लाइट से टेंपल का डेकोरेट किया है। और चलो चलते हैं मंदिर के अंदर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये मंदिर का जो है ये प्रवेश द्वार है, तो टेंपल का मतलब किनारा है। और इसके बाद आती है मेटल का एक बड़ा सा स्टैचू, क्या बोलती है, बट इसको मतलब बहुत ही शुभ माना जाता है। और सभी आके यहाँ पे नारियल फोड़ते हैं, देख ही सकते हैं नीचे कितना सारा नारियल है, यहाँ पे सभी आके नारियल फोड़ते हैं। तो ऐसे तो आज मतलब क्राउड बहुत ही कम है, बट ऐसा होता है जब फेस्टिवल रहता है तो क्राउड बहुत ही ज़्यादा होता है। और उस मतलब फेस्टिवल के टाइम में यहाँ पे बहुत ही क्राउड होता है और पैर रखने का भी मतलब जगह नहीं मिलता है, ना क्राउड होता है। इसके बाद आता है मेन मंदिर जो कि बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया है, तो चलो मैं लेके चलती हूँ आप सभी लोगों को। और देख ही सकते हो हम धीरे धीरे करके जा रहे हैं। और ऐसा बात है ना, ये लोग हर रोज टेम्पल मतलब फलवार से बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट करता है, बट फाइनली भगवान जी का दर्शन मिल रहा है। हम आपको भगवान जी का दर्शन करने के लिए लेके जा रहे हैं। अभी आप लोगों को बस थोड़ा सा वेट करना है, अभी देख रहा है भगवान जी बहुत दूर से, मैं जूम कर रही हूँ उसको, भी लेके चलती हूँ धीरे धीरे। और एक चीज़ बताना चाहूँगी आप और आप लोगों को, मतलब कमेंट सेक्शन में ये बताना पड़ेगा कि ये कौन सा भगवान जी है, इस भगवान जी को कौन सा नाम से पुकारा जाता है, ये आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और टेंपल आने के साथ साथ एक बहुत ही प्यारा सा बेबी जो माँ के गोद में सो रही थी, बट नींद मतलब नींद आने ही वाला था, जो मेरा कैमरा को देखो उसका नींद खोल गया। और देखिए बच्चा भी बहुत ही प्यारा सा है। अभी देखिए मैं आ गई हूँ मेन मंदिर के सामने, बहुत ही सुंदर लग रही है माँ को, बट आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ प्लीज़ गाइस, मुझे आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप वीडियो को एकदम शुरू से एकदम अंत तक देखिएगा, ठीक है। और इसको चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सभी को शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ये कौन सा भगवान जी का मंदिर है और ये भगवान जी को कौन सा नाम से पुकारा जाता है। और आप सभी लोग सुस्त रहिए, अच्छे रहिए, अभी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।